महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अम्यूजमेंट पार्क एग्जीबिशन का आयोजन 5 मई से रेशमबाग मैदान पर किया गया है, जहां शहरवासी इस मेले का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं क्या खास है इस मेले में। महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। आज हम है रेशमबाग चौक पर और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि कितना खूबसूरत इसका जो है एंट्रेंस बनाया गया है। आप देख पा रहे हो कि नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि झूले हैं और कई तरह के यहाँ पे स्टॉल है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ है। चलिए कोरोनापासून आम्ही घरीच होतो, तेव्हापासून काही आम्ही बाहेर निघालोच नाही आणि आज आम्ही पहिल्यांदा आम्हाला समजलं की आता मेला लागलाय वा, म्हणून म्हटलं चला आज निघू आपण बाहेर, म्हणून आता फिरायसाठी आलो आम्ही। आता छान वाटत आहे, काही खरेदी केली आहे सामान, अंगठ्या वगैरे घेतल्या आम्ही काही घेऊन बघितल्या। काळामध्ये खूप म्हणजे हे झालं ना, माणूस 2 वर्ष घरी, आता कसं थोडंसं बाहेर निघालं आणि कसं मास्कमुक्त झालं ना, त्याच्यामुळे आणखीनच। आणि गर्मी इतकी आहे की काही बांधणं किंवा हे करणं खूप, उष्णता खूप आहे टेम्परेचर नागपूरचं, त्याच्यामुळे बरं वाटत आहे। हॅलो, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेला भरा है यहाँ पे शांत, मतलब रेशम बाग में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स है, झूले है, सब है। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है, अभी 2 साल बाद इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताओ, अभी कुछ बता ही नहीं सकती। बहुत ही खुशी हो रही है, इतना अच्छा, इतनी रौनक, इतनी बहुत, अभी मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेला काफ़ी सुंदर है और हमेशा आते रहते हैं हम मेले में बच्चों को घुमाने के लिए, मज़ा आता है, इस तरीके के इवेंट होने चाहिए। हाँ, कोविड के वजह से थोड़ा सा भी है रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अभी अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए, ये मेरी बच्ची है। कोरोना नंतर हा सगळ्यात चांगला मेला है, कारण की 2-3 वर्षानंतर आम्ही इथे आलो आहे आणि खूप चहल पहल आहे, खूप चांगला वाटत आहे। हाँ, बहुत बहुत समय के बाद बहुत अच्छा, पर मेरी छोटी बहन मुझे बैठने नहीं दे रही कहीं पे भी, सो मुझे उस वजह से थोड़ा बोर हो रहा है। हम लोग इंदौर से आए एक्चुअली, MP से, और हम मेले में तो जाते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सबको, सब अपने, अभी मेरी फैमिली के साथ ही आई हूँ, दीदी जीजू सभी लोग आए हैं हम लोग, और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। छान वाटत आहे, सगळं नॉर्मल झाल्यावर का वाटत आहे, कोविड नंतर खूप दिवसानंतर लोकांना बाहेर निघायला मिळालं, सगळे खूप एन्जॉय करत आहे, सगळ्यांनी यायला पाहिजे, पण कोविडचे प्रिकॉशन्स पण स्वतःहून फॉलो करायचे, सगळं ओपन झालं आहे पण स्वतःहून स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे। हम लोग यहाँ इंदौर से आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है, खूब अच्छे अच्छे सारे झूले हैं, बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। नागपुर की समर में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सो इट्स वेरी नाइस, वी आर कमिंग फ्रॉम पुणे एंड वी आर एंजॉइंग। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ घूमने में मज़ा आ रहा है, नागपुर में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इंदौर से आई हूँ। नागपुर निवासी है, ये सब हमारे घर पे आए हैं गर्मी की छुट्टियां मनाने, तो हमको अच्छा लग रहा है कि हम इनको यहाँ लेके आए हैं और ये लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कहाँ लेके जाए सही में, और वो भी समर सीजन में, दिन में तो हम कहीं जा नहीं सकते, पर शाम में ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है ये बिल्कुल। 2 साल के बाद सब लोग मिल रहे हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एक अच्छा खासा है और मज़ा आ रहा है देखने में, इंटरेस्टिंग है, और खाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा है, तो मज़ेदार है, हम अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं इसमें, और लाइक बोरिंग लाइफ से जैसे समर में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए, तो इसमें लाइक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं,
जो भी है कपल्स आके या फिर फ्रेंड्स के साथ आके फैमिली के साथ आके और शॉपिंग भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एंड हाँ एंजॉय लिटरली बताऊँगा तो वैसे तो ज़्यादातर मुझे झूले ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा पसंद आए और खाने की चीज़ें हाँ बस मस्त वाटत आहे कोरोना नंतरचा हा नाही काका खूप सुंदर वाटत आहे कारण पोरांना असा एन्जॉय करायला मिळाला नाही त्याच्यामुळे खूप सुंदर वाटत आहे आमच्या गावाला ब्रह्मपुरीमध्ये कसं गणपतीच्या वेळेस मेला लागते तर त्याच्यामुळे कसं आता लॉकडाऊन होता तर काही मेला लागला नाही तर आता थोडे एन्जॉयमेंट करायला भेटत आहे मी सद्भावना नगर मानेवाडा चौकातून आलो आहे माझं नाव इंद्रजित कडू आहे आणि 3 वर्षानंतर ह्या असा मेळा बघितल्यानंतर आम्हाला खूप उत्साह वाटला आम्ही आलो होतो आम्ही दुसऱ्याच कामासाठी इथे पण आम्हाला दिसल्यानंतर आम्ही आधी ते काम सोडून आम्ही इथे आलो म्हणजे आम्हाला मुलांना एन्जॉयसाठी आणि मुलं पण छान म्हणजे खुश झाले बहुत बढिया लगा या आके और बचपना याद आया बचपने के साथ में कोई किसी के बाइक पे लेके भी अभी भागा अपने को तो इतना स्पीड तो बहुत कम हो गया ना जो अभी देखे कि इससे ये डेयरिंग भी आता है और बहुत ज़रूरी है कि ये 60 साल पहले 10 रुपये टिकट था अभी 80 है महंगाई के हिसाब से बराबर है फिर भी जो आगे पीछे हर चीज़ जो है यानी जिसको डिज्नी यानी पहले अपन कलकत्ता जाते थे तब एक ही बार पार्क में जाते थे 300 रुपये टिकट रहती थी उस जमाने में भी लेकिन कलकत्ता जाते थे अभी अपने नागपुर में मिला तो सौभाग्य है अपने बच्चों का भी उनको भी अच्छे से एक बार का एक चॉकलेट कम देने का 80 वाला एक आइसक्रीम कम खिलाना लेकिन इसका तो भी इंजॉय करके हर आदमी ने जाने को होना किस गजान मस्क्या है इथे मी स्टॉलमध्ये आलो झुणका भाकर खायला आणि याची स्टॉलमध्ये लागला आहे झुणका भाकर स्टोर याच्या 3 दिवसापासून झुणका भाकरसाठी आलो आणि नंबर 1 झुणका भाकर आहे आणि खूप चांगला आणि पाणीपुरी पण आहे इथं पापड वगैरे पण आणि भेल पण आहे खूप चांगला आहे आणि आमचं चांगला चालून पण आला झुणका भाकरमध्ये आणि खूप टेस्ट आणि एक नंबर टेस्ट आहे यांची आली आणि हे घरगुती आयटम वापरतात आणि असं नाही की ती म्हणजे बाहेरचे आयटम वाढता घरगुती तेल आहे घरगुती आयटम आहे दोन हा मेला 2 वर्षांनी लागलेला आहे आतापर्यंत कोरोनामुळे मेले लागलेच नव्हते 2 वर्षांनी रेशीम बागेत लागल्यामुळे खूप छान लोकांचा उत्साह आहे आणि भरपूर 2-2, 2.5-3 हजारात लोक रोज येतात हे महत्त्वाची गोष्ट आहे प्रतिसाद छान आहे अभी कैसा बहुत समय के बाद मेला लगा है तो थोड़ा याने पब्लिक आ रही है हो रहा है अच्छा बिजनेस हो रहा है अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा पहले से याने बेटर ही अभी तो कोरोना काल में सब ठप पड़ा था हम आए हैं एक स्टॉल पे यहाँ पे ये जो है कपड़े का मतलब गारमेंट्स का स्टॉल है यहाँ पे लेडीज़ की कुर्तियाँ हमें दिखाई दे रही है हम उनसे जानते हैं कि ये मेला कब से शुरू हुआ है और क्या बताओगे आपका स्टॉल यहाँ पे हेलो मेरा नाम पूनम ठाकुर है मैडम और ये 1 तारीख से चालू हुआ है हम लोग महिला समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक भी बहुत खुश है और मेरे यहाँ कम रेंज से 250 से 2000 तक के कपड़े हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे मेरे पास कुर्ती पैंट और पूरा कुर्ती पैंट चुन्नी सब सेट है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है मतलब कस्टमर को किस भी रेंज का चाहिए तो वो वापस नहीं जाता है वो लेके ही जाता है तो हमने आपको बताया कि महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जो है नागपुर मेगा ट्रेड फेयर का यहाँ पे आयोजन किया गया था और यहाँ पे किस तरह की मतलब दुकानें हैं सजी हुई और अम्यूजमेंट पार्क के साथ साथ कई झूले हैं बच्चों के लिए और किस तरह का यहाँ पे माहौल था और यहाँ पे फूड की मतलब फूड कोर्ट भी बहुत बढ़िया दिखाई दिया हमने देखा कि यहाँ जो लोग आए हैं उनके भी हमने रिव्यूज़ लिए उन्हें भी ये मेला बहुत पसंद आया क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है लोगों को
खुलकर बाहर निकलने का मौका मिला था और लोग जो है अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ यहाँ आके एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि नागपुर की गर्मी में एक ये मेला जो है ठंडक का एहसास दे रहा है लोगों को। तो लोग भी जो है बहुत ही मेले को एंजॉय कर रहे हैं और आप भी आइए और मेले का लुत्फ़ उठाए। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।